हाय गाइस, आज काफ़ी लंबे समय बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे को और हमारे इंडिया टूर में निकले हुए 10 दिन से आए हुए संगीत प्रधान जो कि आज हमारे घर में प्रस्तुत हैं और उनसे मैं छोटा सा एक इंटरव्यू लूँगा जो कि अपने मोटिव के बारे में बताएंगे, वो इंडिया टूर क्यों कर रहे हैं। तो मिलते हैं संगीत प्रधान जी से। हाँ सर, बताइए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू वेरी मच युवराज भैया को जिसने मुझे बोलने का मौका दिया। तो गाइस, एक्चुअली मैं पूरा एकदम भारत भ्रमण कर रहा हूँ, पूरी भारत जो कि नॉर्थ से शुरू किया मैंने, दार्जिलिंग से लगभग 1 मई को मैंने शुरू किया, आज 12वीं दिन है। तो उत्तराखंड का काफ़ी जगह मैं घूमा जिसमें केदारनाथ बद्रीनाथ होते हुए पूरा ये अभी आज देहरादून में हूँ। तो मेरा ये पूरा ऑल इंडिया घूमने का यानी कि सोलो राइड में हूँ, अभी मैं अकेले निकला हूँ स्कूटी पे अपना। तो सोलो राइड करने का मेरे इसके पीछे जो है मकसद उद्देश्य जो है हमारे कम्युनिटी जो है इंडियन गोरखा कम्युनिटी, इसको थोड़ा बढ़ावा देना, इसको थोड़ा और आगे लेके जाना और इसका जो पहचान जो है इसको और दुनिया के सामने यानी कि पूरा भारत के सामने लेके जाना। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो चेहरा जो है, जो हम लोग मंगोलाइट हम लोग जाति है, तो हमारा चेहरा दूसरे देश के मतलब लोगों से मिलता जुलता है। तो काफ़ी सारे भारत के ऐसे भाग है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरे कंट्री से है, हालांकि वो लोग जब भारत के मैप बनाते हैं तो उसमें से हम जहाँ पे रह रहे वो भी बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग के माइंड सेट में ये है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा चेहरा देखने के साथ में वो लोग सोचते हैं कि क्या आप नेपाल से हो। तो इस तरीके से जब कोई हम लोग को बोलता है कि हम लोग हमारे पूरा जेनरेशन लगभग 4-5 जेनरेशन भारत के लिए हम बलिदान देते हुए आए हैं, अभी भी जैसे कि कुछ मैंने आगे जैसे कि हमारे जो कि सिक्योरिटी जनरल बिपिन रावत जो शहीद हुए थे, उसी के साथ साथ में हमारे दार्जिलिंग के एक जो गोरखा है वो भी शहीद हुआ था, और ऐसे बहुत सारे हमारे गोरखा भैया भाई वगैरह है, गोरखा जो पुत्र है वो सब शहीद होते रहे हमारे भारत देश के लिए। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बाद में, योगदान देने के बाद में भी जब हम लोग कहीं पर जाते हैं, बाहर में जाते हैं अपनी जगह से, तो फिर इस तरीके से जब हम लोग को सुनने को मिलता है कि आप नेपाल के हो या दूसरे देश के हो, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन जब सुनने को मिलता है ना, तब पूरा एकदम दर्द सा महसूस होता है, तब अच्छा नहीं लगता। तो यही मेरा पूरा भारत भ्रमण करने का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि मैं पूरा भारत भ्रमण करके जितना मेरे से हो पाएगा वहाँ तक जाने के बाद में जो भी लोग मेरे साथ मुलाकात करेंगे या मैं उनके साथ मुलाकात करूँगा, भेंट होगा, उन लोगों को मैं ये मैसेज दूँ कि वी आर इंडियन गोरखास, सो वी प्राउड टू बी इंडियन गोरखास। जैसे कि मेरा क्या मैसेज है कि जितने भी अरबिक या जितना भी उर्दू बोलने वाले पाकिस्तानी नहीं होता, उसी तरीके से जितने भी तमिल बोलते हैं, जो भी तमिल बोलते हैं वो श्रीलंकन या दूसरे कंट्री से नहीं होता, और जितने भी बंगाली बोलने वाले आदमी लोग बंगाल से नहीं होता, उसी तरीके से जितने भी नेपाली बोलने वाले यानी कि गोरखा बोलने वाले दूसरे कंट्री या नेपाल से नहीं होता, यही मैसेज देना है। सो वी आर इंडियन गोरखास एंड वी प्राउड टू बी इंडियन गोरखास, सो हम भारतीय है, सो इतना ही कहना है। जय हिंद, जय गोरखा। ओके संगीत भाई, आप 1 मई से निकले हुए, अभी आपका टूर कब तक ख़त्म होगा? ये लगभग मेरे हिसाब से, मेरा जो आइटिनरी के हिसाब से लगभग मिनिमम भी 2.5 महीने का है, यानी कि 70 दिन का है, 70 से 75 दिन का, लेकिन ये कम भी हो सकता है, अभी ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा ही होगा क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी सारा ऐसा जगह है कि देखने को है या दिखाने का है। तो जिस तरीके से मैं जितना भी ये 70 दिन का टूर जो है, ये सारा कंटेंट जो है यूट्यूब में भी डालता हूँ, जिसमें इंडियन गोरखा ब्लॉग्स करके हैं अब, और मेरा जो स्कूटी है उसका नाम भी सिरुपाते मैंने रखा है, क्योंकि हमारा ये सिरुपाते बोलने से गोरखा का एक वर्ड है जिसमें हमारा गोरखा का एक शान होता है, कुकुरी जो हथियार होता है जिससे हम लोग रक्षा करते हैं, अभी भी हमारे गोरखा राइफल में भी वो जो कि एक देते हैं, ठीक है, तो एज अ गिफ्ट या एज अ वो रक्षा के लिए देते हैं, तो उसी का एक वर्जन है सिरुपाते, वही सिरुपाते मैंने रखा है, तो उसको लेके मैं अभी निकला हूँ। तो लगभग जिस तरीके से अभी तक मेरा जैसे हिसाब रखा था, लगभग 10 दिन के अंदर मैं उत्तराखंड तक पूरा कवर कर लूँगा, लेकिन आज 12वीं दिन है तो कल तक मैं यहाँ पे रखूँगा, तो उस तरीके से ज़्यादा ही हो जाएगा, लगभग 80-90 दिन ज़्यादा ही हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एम। सो गाइस, तो आप देखिए, इनको सपोर्ट कीजिएगा, तो तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहुन्छ हाम्रो गोर्खा कम्युनिटी, इन्डियन गोर्खा कम्युनिटी। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।